आयापुर में सिंधौली ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। यहां निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा वापस कराने के लिए उसके घर पर पुलिस, पीएसी और राजस्व की टीम पहुंच गई। आरोप है कि भाजपा नेता और सरकारी मशीनरी निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाने पर प्रत्याशी का मकान गिराने की धमकी दी जा रही है। भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मछला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ एक निर्दलीय प्रत्याशी ऋतु सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। आरोप है कि पर्चा दाखिल करने के बाद से लगातार पुलिस और राजस्व की टीम उनके मकान को अवैध निर्माण बताकर गिराने की धमकी दे रही थी। नामांकन का पर्चा वापस न लेने पर राजस्व की टीम, पुलिस और पीएसी निर्दलीय प्रत्याशी के घर पहुंच गई, लेकिन दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के दर्जनों समर्थक टीम के सामने आ गए। फिलहाल राजस्व की टीम साफ तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है। अभी थोड़ी देर में बता देंगे, आप लोग शांति रखिए, बस अभी थोड़ी देर में बताते हैं, बता रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में आप करिए, अभी बता देंगे, आप बेफिक्र रहिए आप, ठीक है जी। इनका कहना है कि हमारा मकान जो है वो तालाब में बना हुआ है, अवैध बना हुआ है, तो मैंने कहा इसकी भाई जाँच कर लो आप, और अगर अवैध है गिरा दो। कई सालों से लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? असल में कल हमने अपनी पत्नी का पर्चा भरा रितु सिंह का, ब्लॉक प्रमुख सिंधौली पद सिंधौली के लिए, तो उनका कहना है कि पर्चा वापस करो। हमने पर्चा वापस करने के लिए मना कर दिया, तो हम पे दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी जो जो कवरेज है इसे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो क्या दबाव, क्या दबाव में आएंगे क्या? नहीं, हम चुनाव में पर्चा वापस नहीं लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्या मानते हैं लोकतंत्र की हत्या? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य तो राम ने सीता को छोड़ दिया था, एक मतलब एक के कहने पे, और ये राम राज्य थोड़ी ना है, ये तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और बाकी जो भी है सब ठीक है, आप लोग सब देख ही रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो तांडव भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार का जो चल रहा है, योगी सरकार का, और जहाँ जहाँ इनके मंत्री हैं वहाँ पर पूरी तरह से मंत्री और इनके कद्दावर नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो हाल में अभी चुनाव हुआ उसमें खुली धांधली, गुंडागर्दी और बेईमानी खुलकर हुई बिल्कुल, और आज उससे भी कहीं ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा धांधली, बेईमानी, गुंडागर्दी सरेआम, यानी सारी हदें पार कर दी हैं इस सरकार ने, और सारे मतलब ये समझ लो इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और ये समझ रहे हैं इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। इन्हें लग रहा है कि 2022 में इनकी सरकार कहीं पर से दूर दराज तक नहीं दिखेगी, क्योंकि इनके कारनामे जो भी हैं वो जनता के सामने हैं। जनता सारा समझ चुकी है कि जुल्म, ज्यादती, बदले की भावना से जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो तांडव किया गया है, नंगा नाच किया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे प्रत्याशी जो समर्थित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के या दूसरी अपोजिशन पार्टी के जो भी या आज़ाद, उन्होंने अगर पर्चा भर दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उनको जबरन या तो पर्चे छीन के फाड़े गए परिसर के अंदर, पुलिस फोर्स के सामने, प्रशासन के सामने, और उनको नामांकन नहीं करने दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स ने लाठी चार्ज किया शाहजहांपुर में, मदनापुर का मामला, और आज यहाँ देखिए सारी हदें पार करने के बाद जो यहाँ पर ऋतु सिंह जी, पत्नी सुनील सिंह जी की जो पत्नी हैं, उन्होंने जो आज़ाद अपना जो नामांकन कराया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए यहाँ सिंधौली ब्लॉक से, चूँकि पहले ये भाजपा को बिलोंग करते थे ओमकार सिंह जी इनका परिवार, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय लोगों ने उनसे कहा तो आज़ाद पर्चा भरा। तो अब आज़ाद पर्चा भरने का मकसद, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक होता है, और ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है, और जब उन्होंने पर्चा वापस करने का दबाव, यहाँ के कैबिनेट मंत्री और तमाम नेताओं ने पूरा दबाव बनाया कि आप पर्चा वापस ले लो, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के जहाँ जहाँ समर्थित प्रत्याशी हैं वहाँ पर भी यही तांडव किया गया, पर्चे खारिज किए गए, निगोई का पर्चा खारिज, उसके अलावा दबाव बनाया जा रहा है कि आप हर हाल में पर्चा वापस ले लें। भावलखेड़ा में और बंडा में, ऐसे तमाम जगह काट में दबाव बनाकर जबरन विड्रा करा दिया। तो इस तरह के दबाव बनाया जा रहा है कि हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, हम तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल भिजवा देंगे, नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे डर गए, घबरा गए,
लोभ लालच दिया गया, धन बल का लालच, और पूरी तरह से डराना डराया गया, धमकाया गया। पुलिस फोर्स घरों पर जा रही है, इंस्पेक्टर खुद फोन कर रहे हैं, सीओ फोन कर रहे हैं कि आप वापस हो जाओ। समझौता कंप्रोमाइज कराने का काम यहाँ के अधिकारी, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से समझौता हो जाए और समर्थित प्रत्याशी सपा का हो या आजाद हो वो बैठ जाए और भाजपा का प्रत्याशी आराम से जीत जाए, निर्विरोध बन जाए। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है जो हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। अभी आज ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, जैसे ही खबर मिली, सूचना मिली सुखबीर भाई ने, तमाम लोगों ने, इनके परिवार वालों ने सूचना दी प्रधान जी ने, तो हम लोग फौरन यहाँ पर आए। हमारे साथ तमाम पार्टी के नेता लोग भी यहाँ पर हैं, अपोजिशन पार्टी के भी यहाँ पर हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक सबको है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये हक छीन रही है, खुला लोकतंत्र का गला घोट रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस पर बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और इसको लेकर 11 तारीख को सभी ब्लॉकों पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का भी आयोजन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं सभी ब्लॉकों पर, और हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। समाजवादी लोग डरते नहीं है, झुकते नहीं है, और हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। और ये फोर्स और ये अधिकारी यहाँ से चले गए, मकान कोई आज नहीं बना है, मकान तो बहुत जमाने के बने हुए हैं, 20-20 साल बने, गलतियां तो अगर हैं, अगर कोई कमी थी मकान में, राजस्व में कमी है, तो अगर कोई भी अगर गलती है तो उससे पहले क्यों नहीं देखा। आज चुनाव आ गया, कल चुनाव वोटिंग होने जा रही है, ब्लॉक प्रमुख के वोट पड़ेंगे बीटीसी सदस्यों के, तो इसलिए कि पर्चा वापस ले लें, दबाव इसलिए बनाया गया कि मकान तोड़ देंगे, पर्चा वापस ले लो, मकान नहीं तोड़ेंगे। तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, जो आज तक कभी इतिहास गवाह है, ये काला अध्याय आज का दिन और ये ब्लॉक प्रमुखी जिला पंचायत के काले अध्याय में लिखा जाएगा और इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। अंग्रेजों से भी ज्यादा सख्ती और जुल्म आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसका हम सभी लोग, सारे विपक्षी लोग मुंह तोड़ जवाब इसको देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ी है और आज यहाँ सिनौली ब्लॉक में जुल्म की इंतहा हो रही है। आज इनको 50 साल पुराना बना मकान गिराने की याद आई। सबसे पहले तो हम मांग करेंगे जिला प्रशासन से, जो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में शासन पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, सबसे पहले हम मांग करेंगे अगर इनका मकान अवैध बना है तो सबसे पहले तो यहाँ के कानून को, लेखपाल को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और 50 साल पुराना मकान, हमारे बुजुर्ग लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, क्या मकान ये आज बना? इस समय इस दौर में जितने SDM यहाँ रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जितने लेखपाल रहे हैं, कानून गो रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। हम खुद निवेदन करेंगे, इन लोगों से कहेंगे अपने आप मकान तोड़ दें। ये जो आज भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, आप लोग मीडिया बंधुओं से विशेष निवेदन है कि इस आवाज़ में आप यहाँ देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, ठीक, अगर ये कहीं गलत होते तो क्या यहाँ इतने लोग होते? हम सब पूरी मजबूती से इस परिवार के साथ में हैं, इस प्रत्याशी के साथ में हैं, और आज से लेकर कल तक चाहे जो भी हो, हम लोग इनके हित की, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और आपसे निवेदन है, मीडिया लोकतंत्र का 14 स्तंभ है, लोकतंत्र की सरेआम शाहजहांपुर जनपद में हत्या हुई है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि हम लोग की आवाज़ को आप और ऊपर तक पहुंचाएं। हमारी आवाज़ पहुंचाने वाले इस गूंगी बहरी सरकार में आप ही हैं, इनके कानों को हिला दीजिए, निवेदन है आपसे, धन्यवाद।